हेलो फ्रेंड्स, अर्बन लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको राजकीय उद्यान नर्सरी की जो विज़िट मैंने की थी, वहाँ से कुछ शॉपिंग करी थी वो आपको दिखाई थी। जब मैं वहाँ से निकली तो उसके बाहर कुछ बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी जहाँ पर बहुत खूबसूरत से प्लांटर्स मिल रहे थे, सभी प्रकार के सेरेमिक के भी, प्लास्टिक के भी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल रही थी गार्डनिंग से रिलेटेड। तो मैंने वहाँ से भी कुछ परचेजिंग की थी जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मुझे ये हैंगिंग बास्केट दिखी, इसमें से दो साइज़ की थी, है ना, ये दो साइज़ की थी, एक इससे बड़ी भी थी लेकिन मुझे थोड़ा सा अपने छोटे प्लांटर्स के लिए चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, ये बताया तो था 60-70 के करीब, लेकिन ये चूँकि मैंने बहुत सारी लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने देखे डिफरेंट कलर, बहुत सुंदर प्यारे से कलर्स हैं। और ये कलर देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा है, ये वाला ग्रीन कलर भी बहुत सुंदर सा है। तो ये मैंने 6 लिया, 50 रुपीज़ ईच मुझे, चूँकि मैंने बल्क में लिया इसलिए मुझे उसने 50 रुपीज़ में ये लगा दिया। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो इस तरीके के हैं, ये लंबे लंबे गमले जिसमें मैं अपना फॉक्स टेल वगैरह के प्लांट्स लगा दूँगी, तो ये इस तरीके के गमले ये मुझे उसने, चूँकि बड़े साइज़ के थे, ये 50 रुपीज़ में दे रहा था, तो ये मुझे उसने करीब, मैंने दो लिए 70 रुपीज़ के, दोनों ले लिए मैंने। फिर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बहुत अच्छे प्लांटर्स, बड़े बड़े मुझे प्लांटर मिल गए, है ना। ये देखिए, इनकी प्लास्टिक भी ठीक है कंपेरेटिवली, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे मिले। ये 50 रुपीज़ ईच दे रहा था तो ये मैंने 40 रुपीज़ ईच के ले लिए, क्योंकि जो हमारे पौधे कुछ थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं उनको मुझे इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने 4 लिए, 1, 2, 3, 4, ये 50 रुपीज़ ईच लिए, और जब मैंने बल्क में इसको लिया तो थोड़ा सा उन्होंने कम भी कर दिया। फ्रेंड, इसके अलावा अभी सिर्फ प्लांटर ही मैं दिखा रही हूँ, ये कितने अच्छे हैं और कितने मतलब मजबूत भी लग रहे हैं। ये प्लास्टिक के ही थे, तो हालांकि तो हम लोग प्लास्टिक को अब दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपार्टमेंट गार्डनिंग में थोड़ा सा मजबूरी भी हो जाती है प्लास्टिक के प्लांटर्स खरीदने के। तो फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मैंने 30 रुपीज़ का लिया है, ये इतना बड़ा प्लांटर, ये 30 रुपीज़ का, और अच्छी क्वालिटी है इसमें। उससे भी बेटर, ये मैंने दो लिए, 1, 2, उससे भी बेटर क्वालिटी का ये था। इसकी ये प्लास्टिक देखिए, बहुत अच्छी प्लास्टिक है। तो मैंने कहा कि ये छोटा है, इसको थोड़ा सा कम करके दीजिए, लेकिन उनका ऑलरेडी इसमें कम कर चुके हैं, तो ये मुझे 30 रुपीज़ का मैंने, इसकी प्लास्टिक बहुत बेहतरीन है, लग रहा है देखने से कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये फ्रेंड्स, मैंने ये भी मैंने दो लिए, मैंने सब तरीके के प्लॉट्स इसलिए लिए कि मैं देखती हूँ कि कौन से ज़्यादा ड्यूरेबल होंगे, तो फ्यूचर में फिर उन्हीं को ही खरीदूँगी। तो ये मुझे 30-30 रुपीज़ के दो मिल गए। इसके अलावा ये छोटा सा एक बहुत क्यूट सा मुझे ये लग गया, तो कटिंग वगैरह ग्रो करने के लिए, ये भी मैंने दो ले लिए, तो ये मुझे 15-15 रुपीज़ ईच, ये 15 रुपये का प्लांटर मिला। फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि ये कहीं 15 रुपये का प्लांटर है, ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी, इन्हीं में प्रायः हम लोगों को नर्सरी में ग्रो करके देते हैं। इसके बाद ये हमने लिया, ये 4 प्लेट्स, ये तो आपको इसमें मिल ही जाती हैं इसमें, तो ये 10 रुपीज़ ईच बता रहा था, मैंने कंसोलिडेटेड रूप में 25 रुपीज़ के ये चारों ले लिए। मैंने कहा इसको ऐसे में ही दीजिए, वैसा 10 रुपीज़ के ईच बता रहा था, ठीक है ना। फ्रेंड, इसके बाद जो है ना, ये मेरा टूट गया था, मैं एक बार और भी ले चुकी थी, ये मेरा टूट चुका था, ये बुद्धा जी हैं। ये एक इसके बहुत ह्यूज साइज़ का था, लेकिन ये मीडियम साइज़ का, बहुत ही क्लोमरा उसमें सारा दिख भी रहा है, तो ये अपने स्नेक प्लांट वगैरह के लिए ये मैंने लिया। ये मुझे 150 रुपीज़ का मिला, चूँकि बहुत अच्छे उसमें है क्वालिटी। नो फीबी, ओहो। ये फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका टेक्सचर देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल वाले में था, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा, ये पूरा जो है कार्व्ड वाला लग रहा है ये। ये फ्रेंड्स जो है, ये मैंने बायो कंपोस्ट ली थी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनिक वाली है खराब, तो ये मैंने ले लिया, ये 80 रुपीज़ की थी, ये मुझे लगभग 60 रुपीज़ की मिली। हेलो फीबी, लो लो, ये क्या, अरे तुम कहाँ से आ गए, नो चल, ये मुझे 60 रुपीज़ की मैंने लिया बायो कंपोस्ट की, ये खाद है। इसके अलावा ये मैंने छोटे छोटे पैकेट्स ये भी ले लिए, ये है बोन मील, जो बहुत अच्छा हेल्थ रन करता है,
ये बोन मील है, और ये है, ये भी मैंने NPK ये दिया। इसके अलावा फ्रेंड नीम की खली, जो कि बरसात का मौसम है पौधों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये मैंने लिया। ये 80 रुपीज़ का था, लेकिन ये मुझे पूरा 60 रुपीज़ का ये मिला है। ये मैंने जो है ये मैंने बॉटल मंगाई थी, ये अमेज़ोन से मंगाई थी। मैंने कहा इसको भी दिखा दूँ, इसको भी मैंने वहीं से लिया था। ये अमेज़ोन में 350 की मिल रही थी, लेकिन वहाँ मुझे 280 रुपीज़ की मिल गई। ये बॉटल, ये प्रेशर वाली जो बॉटल होती है इसमें डालने वाली, क्योंकि मेरी वो जो है वो टूट गई है, तो ये मैंने वहाँ से ले लिया। चलो हेलो करो, सबसे बाबा कलो, सबसे बाबा कलो, हेलो, चलो ओके गो। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्लांटर सेरेमिक और प्लास्टिक के और बॉटल और जो मैन्योर टाइप की जो भी फर्टिलाइज़र्स वगैरह, ये सब मैंने जो शॉपिंग की, और पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लांट्स की शॉपिंग दिखाई थी, ये सब आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि इन प्लांट्स को जो मैंने पिछले वीडियो में शॉपिंग करते हुए दिखाया था, उनको मैंने इन प्लांटर्स में कैसे रिपोर्ट किया, किस तरीके से किया, वो मैं सारा आपको डिटेल में सॉइल प्रिपेयर करते हुए आपसे शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।